378 ये महज एक संख्या नहीं है, बल्कि वो दिन और रातें हैं जो हमारे देश के अन्नदाताओं ने दिल्ली की सड़कों पर गुजारी। चिलचिलाती धूप, मूसलाधार बारिश और भीषण ठंड को किसानों ने सिर्फ इसलिए झेला ताकि उनकी खेती किसानी बची रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी इस दर्द को ना झेलें जो मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून के रूप में उन पर लादने की कोशिश की थी। 40 से ज्यादा किसान संगठनों के साझा मंच संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले लड़ी गई एक बरस से भी लंबी लड़ाई के दौरान क्या कुछ हुआ, किसानों पर क्या कुछ बीता, इस पर एक तारीखवार नजर डालते हैं। November 25, 2020 केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बड़े स्तर पर एकजुट हुए किसान। राज्य स्तर पर सड़क बंद करना समेत छिटपुट विरोध के बाद पंजाब और हरियाणा के किसानों ने किया दिल्ली चलो का आह्वान। COVID-19 का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने किसानों को नहीं दी राजधानी तक मार्च की परमिशन। 26 नवंबर 2020 पंजाब से दिल्ली की ओर मार्च कर रहे किसानों को अंबाला में की गई रोकने की कोशिश। सर्दी के मौसम में पुलिस ने किसानों पर की पानी की बौछारें, चलाए आंसू गैस के गोले। पुलिस ने किसानों को दिल्ली के बाहरी इलाके बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन करने को कहा, मगर किसान रामलीला ग्राउंड जाने की मांग करते रहे। पुलिस के ना मानने पर किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर ही धरना शुरू कर दिया। उधर हरियाणा से आ रहे किसानों ने टिकरी बॉर्डर को बनाया अपना धरना स्थल। इसी दौरान उत्तर प्रदेश से भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत की अगुवाई में किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर शुरू किया धरना। 28 नवंबर 2020 गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को बॉर्डर खाली कर बुराड़ी ग्राउंड में प्रदर्शन करने को कहा। 29 नवंबर 2020 मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर साधा निशाना। पीएम ने कहा, सभी राजनीतिक दल सिर्फ किसानों से वादा करते हैं, लेकिन हम उसे पूरा करते हैं। 3 दिसंबर 2020 सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच हुई पहली बातचीत रही बेनतीजा। 5 दिसंबर 2020 किसानों और केंद्र के बीच दूसरे दौर की बातचीत भी रही बेनतीजा। 8 दिसंबर 2020 किसानों ने मजदूरों के साथ मिलकर किया भारत बंद का आह्वान। भारत बंद को देश भर के कई राज्यों के किसानों का मिला समर्थन। December 9, 2020 किसान नेताओं ने तीनों विवादित कानूनों में संशोधन के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को कर दिया खारिज। दिसंबर में ही योगेंद्र यादव की अगुवाई में दिल्ली राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर पर बना चौथा धरना स्थल। कानूनों को निरस्त किए जाने तक आंदोलन को और तेज करने की दी गई चेतावनी। 11 दिसंबर 2020 भारतीय किसान यूनियन ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। 13 दिसंबर 2020 केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किसान आंदोलन के साथ जोड़ दी टुकड़े टुकड़े गैंग की बात। बीजेपी नेताओं, मेनस्ट्रीम मीडिया ने किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी कहना शुरू कर दिया। 16 दिसंबर 2020 सुप्रीम कोर्ट ने किसानों और सरकारों के बीच बातचीत के लिए एक पैनल के गठन की कही बात। 21 दिसंबर 2020 किसानों ने सभी विरोध स्थलों पर की एक दिवसीय भूख हड़ताल। 30 दिसंबर 2020 सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई छठे दौर की बातचीत। केंद्र ने किसानों को पराली जलाने के जुर्माने से दी छूट, बिजली संशोधन विधेयक पर जताई सहमति। 4 जनवरी 2021 सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई 7वें दौर की बातचीत। बातचीत में कृषि कानून को खारिज करने पर नहीं तैयार हुई केंद्र सरकार। 7 जनवरी 2021 सुप्रीम कोर्ट नए कानूनों और विरोध के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए हुआ तैयार, 11 जनवरी की तारीख दी। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा, किसानों और केंद्र के बीच बातचीत ही एक रास्ता। 11 जनवरी 2021 सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के विरोध से निपटने के लिए केंद्र को लगाई फटकार। शीर्ष अदालत ने कहा, भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित की जाएगी एक समिति। 12 जनवरी 2021 सुप्रीम कोर्ट ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के लागू होने पर लगा दी रोक। सभी हितधारकों को सुनने के बाद कानूनों पर सिफारिशें करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का हुआ गठन। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस समिति के गठन और सदस्यों के चुनाव पर जताई आपत्ति,
और राजनीतिक समाधान की बात कही। 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस के मौके पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने किया बड़ा प्रदर्शन। 26 जनवरी को किसान संघों की ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई भिड़ंत। सिंघू और गाजीपुर के कई प्रदर्शनकारियों ने रास्ता बदलने के कारण लाल किले की ओर घुमा दिया ट्रैक्टर। दिल्ली के आईटीओ और लाल किले के पास पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले और किया लाठीचार्ज। हिंसा में हुई एक किसान की मौत। कुछ प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर फहरा दिया निशान साहिब का झंडा। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस कार्रवाई से खुद को अलग किया। 28 जनवरी 2021 यूपी के गाजीपुर में प्रशासन ने किसानों को रात में साइट खाली ना करने पर दी कार्रवाई करने की चेतावनी। गाजीपुर पर पानी रोक दिया गया। यही वो वक्त था जब वायरल हो गई राकेश टिकैत के भावुक होने की तस्वीरें। वीडियो वायरल होते ही रातों रात हजारों किसान पहुंच गए गाजीपुर बॉर्डर और आंदोलन और ज्यादा मजबूत हो गया। 6 फरवरी 2021 विरोध करने वाले किसानों ने दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक के लिए किया देशव्यापी चक्का जाम। पंजाब और हरियाणा में कई सड़कों को किया गया बंद। 8 फरवरी 2021 संयुक्त किसान मोर्चा ने किया देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का आह्वान। 5 मार्च 2021 पंजाब विधानसभा ने किसानों के हित में पारित किया एक प्रस्ताव। पंजाब में कृषि कानूनों को बिना शर्त वापस लेने और खाद्यान्नों की एमएसपी आधारित सरकारी खरीद की मौजूदा प्रणाली को जारी रखने पर लगाई मुहर। 6 मार्च 2021 दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन के पूरे हुए 100 दिन। इसी दौरान एसकेएम ने चुनाव में भाजपा हराओ का नारा दिया और पश्चिम बंगाल में सीधे तौर पर इसके लिए प्रचार भी किया, जिसका असर परिणामों में भी दिखाई दिया। 4 अप्रैल 2021 सिंघू बॉर्डर से कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियां कटाई के मौसम से पहले पंजाब लौट गईं। किसानों ने फिर वहां बांस और शेड लगाए। 27 मई 2021 किसानों ने 6 महीने के आंदोलन को याद करने के लिए मनाया काला दिवस। किसानों ने जलाया केंद्र सरकार का पुतला। किसान नेताओं ने मांगे नहीं माने जाने पर 2024 तक आंदोलन करने की दी चेतावनी। राकेश टिकैत ने कहा, कृषि कानूनों के निरस्त होने के बाद ही बंद करेंगे विरोध प्रदर्शन। 5 जून 2021 प्रदर्शनकारी किसानों ने कृषि कानूनों की घोषणा के पहले साल को यादगार बनाने के लिए मनाया संपूर्ण क्रांति दिवस। 26 जून 2021 किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ 7 महीने के विरोध को याद करने के लिए दिल्ली तक निकाला मार्च। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि विरोध के दौरान हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में किसानों को हिरासत में लिया गया। जुलाई अगस्त के दौरान संसद के मानसून सत्र में कृषि कानूनों के मुद्दे पर हुआ हंगामा। मानसून सत्र के दौरान जंतर मंतर पर किसानों ने की अपनी किसान संसद। 5 सितंबर 2021 किसानों ने अपनी ताकत दिखाते हुए यूपी के मुजफ्फरनगर में की महापंचायत। राज्य में सत्ताधारी पार्टी भाजपा के खिलाफ प्रचार का किया ऐलान। हरियाणा के करनाल में तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा ने किसानों पर हमले का आदेश दिया। वीडियो हुआ वायरल। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया उनका बचाव। 3 अक्टूबर 2021 लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी ने प्रदर्शनकारी किसानों को कुचला। इस घटना में 4 किसानों समेत कुल 8 लोगों की हुई मौत। इस मामले में अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज। एसकेएम ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान रोजाना शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च करने का किया ऐलान। 19 नवंबर 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर टेलीविजन पर आकर तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की। कहा, हम किसानों को समझाने में असफल रहे। प्रधानमंत्री मोदी के कानून वापसी के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने एमएसपी कानून, मुकदमा वापसी, शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजा सहित 6 मांगे सरकार के सामने रखी। 24 नवंबर 2021 मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस लेने के लिए कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी। 29 नवंबर 2021 संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों से कृषि कानून को वापस लेने के लिए बिल को पास कर दिया गया। 1 दिसंबर 2021 कृषि कानून वापसी बिल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुहर लगा दी। 4 दिसंबर 2021 कृषि कानून के वापसी के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। बैठक में एमएसपी गारंटी कानून सहित
तमाम मांगों को लेकर सरकार के सामने प्रस्ताव के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनी। इस कमेटी ने सरकार को प्रस्ताव भेजा पर नहीं बनी बात। 8 दिसंबर 2021 सरकार के प्रस्ताव पर एसकेएम की असहमतियों के बाद केंद्र सरकार ने भेजा नया प्रस्ताव। 9 दिसंबर 2021 किसानों की सभी मांगों पर झुकी सरकार, मानी सभी मांगे। सरकार ने अपने लेटर हेड पर एमएसपी, मुआवजा, मुकदमा वापसी सहित सभी मांगों पर हामी भरते हुए खत भेजा। सरकार के नए प्रस्ताव पर पहले संयुक्त किसान मोर्चा की 5 नेताओं की कमेटी ने नई दिल्ली में बैठक की, फिर सिंघू बॉर्डर पर मोर्चा की बड़ी बैठक में प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। 9 दिसंबर 2021 आंदोलन स्थगित करने का हुआ ऐलान। 10 दिसंबर 2021 मानवाधिकार दिवस मनाते हुए सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग, हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद CDS और अन्य सैनिकों को श्रद्धांजलि। 11 दिसंबर 2021 विजय दिवस मनाते हुए घर वापसी। किसानों की अगली मीटिंग 15 जनवरी को, 15 दिसंबर तक धीरे धीरे खाली हो रहे हैं धरना स्थल और किसान जा रहे हैं अपने घर।